मिथिलांचल वासियों का सपना पूरा, दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा पहला यात्री विमान, मेरा वाटर सैल्यूट। मिथिलांचल वासियों खासकर दरभंगा के निवासियों को दिवाली और छठ से पहले मिला बड़ा तोहफा, लोगों के वर्षों का सपना पूरा हुआ। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान दिल्ली से उड़ान भरकर रविवार को 11:45 पर पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। इसके साथ ही आज से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हो गई है। फ्लाइट के लिए बुकिंग 20 सितंबर से ही शुरू, 20 सितंबर से ही रोजाना अपडेट होने वाली 3 जोड़ी फ्लाइट के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80-90% टिकट बुक हो चुके हैं। इन तीनों शहरों से आने वाले यात्रियों की तादाद ज्यादा है। बिहार में दीपावली व छठ उत्सव धर्मिता की वजह से अभी यहाँ से जाने वाले यात्रियों की तादाद कुछ कम है। नई उड़ान सेवाओं के शुरू होने से इस बार दिवाली व छठ में मिथिलांचल या इससे सटे जिलों के लोग आसानी से घर आएंगे। उन्हें घर जाने के लिए अब पटना आने की मजबूरी नहीं होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन तीनों फ्लाइट के 8 नवंबर से शुरू होने की घोषणा 2 माह पहले पटना में की थी। 6 चेक इन काउंटर है इस एयरपोर्ट में। वायुसेना के अंतर्गत आने वाले दरभंगा एयरपोर्ट का एरिया 1400 वर्ग मीटर है। इस हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। 6 चेक इन काउंटर वाला टर्मिनल भवन सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं के साथ व्यस्ततम समय में 100 यात्रियों को संभालने में सक्षम है। इस हवाई अड्डे को बोइंग 737 और 800 जैसे विमानों के लिए अनुकूल है। पहली टेक ऑफ दिल्ली के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर पहली उड़ान बेंगलुरु से उड़ान भरकर 11:05 पर दरभंगा एयरपोर्ट में लैंड करेगी। यही फ्लाइट दिल्ली के लिए 11:45 दरभंगा से टेक ऑफ करने के बाद दिल्ली से 1:40 पर दोपहर में पहुंचेगी। दिल्ली से 2:20 पर रवाना होकर यह फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट पर शाम 4 बजे लैंड करेगी। दरभंगा से शाम 4:30 बेंगलुरु के लिए रवाना होगी और 6:55 पर लैंड करेगी। मुंबई से 12:10 पर रवाना होकर फ्लाइट 2:30 पर दरभंगा लैंड करेगी और 3 बजे मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। इसके मुंबई पहुंचने का समय शाम 6:10 पर है।